हमारा करीब आधा ऑक्सीजन सप्लाई चला गया है, पर जितना बचा है उसमें हमारा गुजारा हो जाएगा ना सर। होना तो चाहिए, लेकिन अब तक एक भी बात हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हुई। खन्ना, कम इन। गो फॉर खन्ना। कर्नल, क्या सिचुएशन है? लगता है लोत्सेफिस की हवाओं को हमारी कंपनी पसंद नहीं आई। हम अभी अभी एक और खतरे से बच गए हैं। डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारा एक और टेंट और आधा ऑक्सीजन सप्लाई वेस्टर्न कोम में चला गया है। ये तो बहुत बुरी खबर है कर्नल, लेकिन शुक्र है आप सब ठीक है। ओवर। हाँ। आप सब ठीक है ना कर्नल? कोई घायल तो नहीं? ओवर। नहीं, वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस एक मामूली खरोंच है मुझे, बट नथिंग टू वरी। मिशन खत्म होने तक आई विल हैंडल एवरीथिंग। इस बात को आप बेहतर समझेंगे कर्नल, लेकिन बचे हुए कम ऑक्सीजन सप्लाई में क्या टीम गुजारा कर पाएगी? ओवर। ऑक्सीजन कम तो पड़ेगा, लेकिन हम लोग बचा हुआ ऑक्सीजन सप्लाई सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे। आई एम सॉरी कर्नल, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ये बड़ी अजीब बात है, मैंने किसी भी मिशन को कभी इतने चुनौतियों का सामना करते हुए नहीं देखा। ये तो वही बात हुई कि आप जहां जा रहे हैं खतरा आपका पीछा कर रहा है। आई एम स्टार्टिंग टू वंडर इफ दिस मिशन इज जिंक्स्ड। कम ऑन खन्ना, तुम जिंक्स और सुपरस्टिशन पे कब से भरोसा करने लगे? बदकिस्मती से इसमें इस मिशन में कुछ हादसे होने लगे जो होने नहीं चाहिए थे, दैट्स ऑल। कर्नल, वैसे तो मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, मगर न जाने क्यों वादियों में कोई तो है जो मुझे बार बार याद दिला रहा है कि इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं। इस बात पे मैं तुमसे लड़ तो नहीं सकता खन्ना, लेकिन एक बार इस पर बात जरूर करेंगे मेरे लौटने के बाद किसी शाम। बाय द वे, हम लोग बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है और हम लोग नासिर को वापस लेकर ही आएंगे। रोजर दैट। थैंक यू खन्ना, ओवर एंड आउट। कर्नल, आप ठीक तो है? आई एम ओके। क्या ढूंढ रहे हो? पेन किलर्स। नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आई एम ऑल राइट। लेकिन मैंने बोला ना तुमको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। What a day, हाँ? Crazy. विश्वास ही नहीं होता कितनी बार मौत के मुंह से निकले हैं हम, और अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कौन किसके साथ रहेगा। आज का दिन नीमा के नाम था, मैंने देखा है, मेरी आंखों के सामने हुआ है सब कुछ।
आकाश, जो नीमा के साथ हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं। शायद यही उसकी डेस्टिनी थी। किस्मत, नसीब, डेस्टिनी, इन शब्दों का मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक बात सोचो, आज से 100 साल पहले अगर कोई इंसान पोलियो से मर जाता तो लोग यही कहते कि बेचारे की किस्मत खराब थी। आज उसी जानलेवा बीमारी के वैक्सीन आ गए हैं। सही मात्रा में पोलियो के ड्रॉप्स तो बच गई ना जान। अब क्या हो नसीब का, बदल गई किस्मत, चेंज हो गई डेस्टिनी। आकाश, जो इंसान 100 साल पहले पोलियो का शिकार हुए वो उनकी डेस्टिनी थी कि उनका जन्म उस दौर में हुआ जब पोलियो वैक्सीन नहीं थे। मैं नहीं मानता इस लॉजिक को। पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं होता और हमारे आसपास जो लोग होते उनमें हमारी किस्मत बदलने की शक्ति होती है। काश मैं उस दिन गौरव के थोड़ा और करीब होता, उसे गिरने से बचा लेता मैं। तुम ऐसे नहीं सोच सकते आकाश, तुम्हारे बस में होता तो तुम उसे बचा लेते। फिर क्यों नहीं बचा पाया मैं? गौरव और शिखा माने मुझे बचाया ना जब मैं गिर रहा था। फिर भी कुछ नहीं कर पाया मैं। लेकिन ऐसा फिर कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन आज नहीं आने दूंगा अपनी शिखा माँ पे, मेरे अपनों पर। तुम थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। एक थकी हुई बॉडी हमेशा गलती करती है। हाँ पसांग डॉजी, तो तुम कितनी बार चोटी तक पहुंचे? हमारा काम है सब सामान को ऊपर तक पहुंचाना। ज्यादातर चौथी पोस्ट से पहले हमारा ड्यूटी खत्म होता है। तो तुम्हारा मन नहीं करता इतनी ऊपर आके चोटी तक जाने का? हमें चौथी तक जाने का कोई शौक नहीं। ये शान, ये इज्जत आप लोग कमाओ। हम शेरपा तो एवरेस्ट की ड्यूटी करते हैं, इसी में हमें खुशी मिलती है। हाँ लेकिन आप जिसे पैसे मिलते हैं तो यकीन मानिए दिन रात चोटी पर ही पाते हमको। नसीब ने हमें केयर टेकर बनाया, पहाड़ों का दरबान या टूर गाइड कह लो, यही काम है हमारा। हम इन्हीं का नौकरी करते हैं। ये कोई शौक नहीं है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के जैसा। अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बच्चों की जिंदगी सवर जाए, बस हमें और क्या चाहिए? यही शान है हमारा। तो जिनेवा स्पर से चोटी तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? देखो जिनेवा स्पर से 6-8 घंटों में कैंप 4 पहुंचेंगे। ओके। वहाँ से और 18 घंटों में चोटी को छोकर वापस बेस कैंप पहुँच सकते हैं। लेकिन ऐसे मौसम में नहीं, ऐसी मौसम में बहुत देरी लगेगी, शायद चोटी तक पहुँच भी ना पाए। सच पूछो तो ऐसा मौसम पे चोटी पे जाने का खुदकुशी का बराबर है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो यूं ही अपने आइडिया के लिए पूछ रहा था। मैं अपनी हिम्मत के लिए ऊपर जाना चाहता हूँ और हिम्मत दिखाने के लिए जिंदा तो रहना पड़ेगा ना, क्यों? हाँ लेकिन अब थोड़ा आराम कर लो, आगे का जर्नी बहुत लंबा है। हाँ हम लोग भी सो जाते हैं। हाँ मौसम बहुत खराब है ना। हाँ
एवरेस्ट स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।